देश की सबसे पुरानी पार्टी यानी कांग्रेस आज अपना 137वां स्थापना दिवस मना रही है। इस मौके पर दिल्ली समेत विभिन्न प्रदेशों में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। राजधानी दिल्ली में स्थित कांग्रेस के मुख्यालय पर भी एक कार्यक्रम हुआ। इस कार्यक्रम में कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी के अलावा कई नेता शामिल हुए। कांग्रेस मुख्यालय पर ध्वजारोहण भी किया गया। हालांकि इस दौरान एक ऐसी घटना हो गई जिसके बाद सब हैरान रह गए। दरअसल कांग्रेस मुख्यालय पर सोनिया गांधी ध्वजारोहण कर रही थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने झंडा फहराने की कोशिश की तो झंडा पोल से छूटकर सीधा नीचे आ गया और सोनिया गांधी के हाथों में आ गिरा। ऐसा माना जा रहा है कि झंडा ठीक से बंधा ही नहीं था, जिसकी वजह से ऐसा हुआ। इसके बाद आप देख सकते हैं कि सोनिया गांधी ने हाथ से ही झंडा फहरा दिया। इसके बाद कार्यक्रम में मौजूद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने कार्यकर्ताओं से झंडा फहराने को कहा। फिर एक कार्यकर्ता आया और झंडे वाले काफी ऊंचे पोल पर चढ़ा, लेकिन वो आधा ही ऊपर जा सका। फिर दूसरा कार्यकर्ता आया जिसने झंडे को बांधने की कोशिश की, बाद में सीढ़ी भी मंगाई गई। हालांकि ध्वजारोहण का कार्यक्रम तो सही से नहीं हो पाया, लेकिन इस कार्यक्रम में वंदे मातरम गाया गया, जिसके बाद सोनिया गांधी ने कार्यक्रम में मौजूद कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात की और एक संदेश जारी किया। कांग्रेस केवल एक राजनीतिक पार्टी का ही नाम नहीं है, बल्कि एक आंदोलन का नाम है। कांग्रेस की स्थापना किन परिस्थितियों में हुई यह मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आज़ादी के आंदोलन में कांग्रेस और उसके तमाम नेताओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, संघर्ष किया, जेलों में कठोर यातनाएं झेली और बहुत से देशभक्तों ने अपने प्राणों तक का बलिदान किया। तब जाकर कहीं हमें आज़ादी मिली। आज़ादी के बाद हमें जो भारत मिला उसकी कल्पना करना कठिन। लेकिन कांग्रेस के स्थापना दिवस पर जिस तरह की एक घटना हुई उसे देखकर सोशल मीडिया में कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को काफी ट्रोल किया जा रहा है। तो आप भी इस वीडियो पर अपनी राय रखिए, साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहें हेडलाइंस इंडिया के साथ।